नमस्कार साथियों, आज हम 2018 में आयोजित BSTC व DLED भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये परीक्षा 600 नंबर की होती है और इसमें चार भाग होते हैं, 50-50 नंबर के चार पार्ट होते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 200-600 में से आपको मार्किंग दी जाती है। और दोस्तों, ध्यान रखना है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो, ये 3 नंबर क्रम में लिखा हुआ है, नकारात्मक अंक नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। तो दोस्तों, आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो अब शुरू करते हैं आज सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान का पार्ट ब है। तो इसमें पहला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन दौसा, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन पाली। तो दोस्तों, हेला ख्याल लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित है? तो दोस्तों, पिछवाई कला मीराबाई से, सी ऑप्शन राम सीता से, सी ऑप्शन महादेव से, डी ऑप्शन कृष्ण से। तो दोस्तों, पिछवाई कला ये राजसमंद नाथ द्वारा से संबंधित है। तो इसमें ये श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं? तो दोस्तों, ए ऑप्शन में बाड़मेर बीकानेर, बी ऑप्शन जैसलमेर बाड़मेर, सी ऑप्शन जैसलमेर बीकानेर, डी ऑप्शन जैसलमेर चूरू। तो दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का 17 है और उसके बाद में सबसे कम घनत्व 78 बीकानेर का है। तो दोस्तों, जैसलमेर और बीकानेर, इसमें सी ऑप्शन सही है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन अमरसागर जैसलमेर, बी ऑप्शन बिठड़ी जोधपुर, सी ऑप्शन देवगढ़ प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन मोहनगढ़ जैसलमेर। तो दोस्तों, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर जैसलमेर में स्थापित किया गया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बारी आभूषण, दोस्तों यहाँ बारी या बाली है, बाली आभूषण पहना जाता है। ए ऑप्शन गले में, बी ऑप्शन नाक में, सी ऑप्शन कानों में, डी ऑप्शन कलाई में। तो दोस्तों, ये बाली आभूषण नाक और कानों दोनों में पहना जाता है। तो उस समय यूनिवर्सिटी ने कान माना था ऑप्शन सही। तो इसमें सी ऑप्शन सही माना है यूनिवर्सिटी ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, महाराणा प्रताप का राजतिलक कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन में चावंड, बी ऑप्शन गोगुंदा, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन कुंभलगढ़। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में हुआ था, जबकि राजतिलक का कार्यक्रम कुंभलगढ़ में हुआ था। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो दोस्तों, वो एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसको रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल लिया था और वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था, वो था चेतन राघव। तो दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान में भूमट क्षेत्र संबंधित हैं? ए ऑप्शन उदयपुर से, बी ऑप्शन बांसवाड़ा से, सी ऑप्शन भीलवाड़ा से, डी ऑप्शन अलवर से। तो दोस्तों, भूमट क्षेत्र उदयपुर से संबंधित है, तो उदयपुर क्षेत्र जिले के क्षेत्र में आता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है? तो दोस्तों, ए ऑप्शन में नजराना, बी ऑप्शन बाबा सारी लाडली, सी ऑप्शन बाई चली शास्त्रीय, डी ऑप्शन मारी प्यारी चंदना। तो दोस्तों, राजस्थान की प्रथम फिल्म का नाम निजराणो या नजराणो है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ मोहनलाल सुखाड़िया हृदय जोशी ने ली है। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, डेगाना नागौर में स्थित है। ए ऑप्शन मैग्नीज, बी ऑप्शन कोयला, सी ऑप्शन टंगस्टन, डी ऑप्शन लोह अयस्क। तो दोस्तों, डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन प्रसिद्ध है। और दोस्तों, टंगस्टन का प्रतीक W होता है, ये भी कई परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान में गांधी के
के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लाग बाग क्या है? तो दोस्तों ए ऑप्शन चिड़िया का नाम, बी ऑप्शन किसान पर आरोपित कर, सी ऑप्शन तोप का नाम, डी ऑप्शन मानसिक के हाथी का नाम। तो दोस्तों लाग बाग किसानों पर आरोपित एक कर था, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो दोस्तों राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। तो दोस्तों इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया? तो दोस्तों राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग जेम्स टॉड द्वारा किया गया। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों इसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं है और यूनिवर्सिटी ने इसमें बी ऑप्शन गंगानगर सही माना था, जबकि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो दोस्तों ताम्र संस्कृति के चिन्ह आहाड़ उदयपुर में मिले हैं। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सीरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों सीरवी बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है या जोधपुर जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ के सिसोदियों को सूर्यवंश माना जाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा? तो दोस्तों राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण जय सिम्हा सिद्ध राजा द्वारा लिखी गई है। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जयपुर के संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार माने जाते हैं? तो दोस्तों जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार मल्लिकार्जुन मशहूर माने जाते हैं। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की फड़ चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो दोस्तों फड़ चित्रकला मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कालबेल या नती राजस्थान के किस जिले से हैं? तो दोस्तों कालबेल या नती उदयपुर व अलवर दोनों से संबंधित हैं, लेकिन उस समय आरपीसी ने उदयपुर सही माना था। तो आपको इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बगरू की सफाई राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों बगरू की सफाई राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बाला किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाला किला अलवर में स्थित है। इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री का कार्य किया है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखड़िया हैं। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दौलत राम सरण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों दौलत राम सरण को राजस्थान में किसानों का मसीहा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बूटा सिंह ने की थी। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चंदौली राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे? तो दोस्तों उस समय ये समसामयिकी से संबंधित या करंट जी के का प्रश्न पूछ लिया गया। तो दोस्तों उस समय चंदौली विधानसभा के सभापति कैलाश मेघवाल थे और वर्तमान में 15वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति सीपी जोशी है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही था। और वर्तमान का यदि पूछ लिया जाए 15वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति, तो दोस्तों सीपी जोशी जी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो दोस्तों राजस्थान में वर्षा की तीन ऋतुएं होती हैं। तो उसमें से वर्षा ऋतु का समय एक बार ही आता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? तो दोस्तों
राजस्थान में पानी की अभाव के कारण इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले से है, तो दोस्तों लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है लूणी नदी। अगला प्रश्न है, परसी चांद बावड़ी स्थित है, तो दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जाता है। ये चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। आबानेरी, बांदीकुई, चांद बावड़ी ये तीनों ही दौसा में, तो इसका ट्रिक भी बनता है। ए फॉर आबानेरी, बी फॉर बांदीकुई, सी फॉर चांद बावड़ी एंड डी, ए बी सी एंड डी यानी दौसा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर या ब्लू सिटी कहा जाता है, तो दोस्तों ब्लू सिटी या नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गार्डन बाग स्थित है, ए ऑप्शन में जैसलमेर, बी ऑप्शन भीलवाड़ा, सी ऑप्शन झालावाड़, डी ऑप्शन हनुमानगढ़। तो दोस्तों गार्डन बड़ा बाग की सत्रियाँ ये जैसलमेर में स्थित हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन राजस्थान केसरी, बी ऑप्शन नवीन राजस्थान, सी ऑप्शन प्रभात, डी ऑप्शन राजस्थान पत्रिका। तो दोस्तों इसमें यूनिवर्सिटी ने दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही थे, दोनों ही पत्रिकाएँ थी, तो इसमें राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान दोनों ही सही उत्तर माने थे, ए और बी दोनों ही सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास जो राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये भी करंट का प्रश्न है। तो ये हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास जो राजस्थान के विजय दान देथा द्वारा लिखी थे, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये भी करंट का प्रश्न है। इसमें नरेश चंद्र सही है, उस समय नरेश चंद्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 2019 विश्व कप में खेला है, कौन से वर्ष में खेला है, तो दोस्तों ये 2018 में खेला था, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान के साथ है, तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान सही है, सी ऑप्शन 1070 किलोमीटर, ये भी आपको साथ साथ में याद करना है। 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान के साथ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, तो दोस्तों ए ऑप्शन दौसा, बी ऑप्शन सिरोही, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन टोंक। तो दोस्तों उत्तरी अरावली का जिला अजमेर है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में आता है, तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगददरी गांव से हुआ था, और उनका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मीना समुदाय का परंपरागत नेता पटेल नाम से जाना जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबा है, तो दोस्तों ये राजस्थान में कितना लंबा है ये पूछा गया है, तो दोस्तों ये इसकी लंबाई राजस्थान में 677 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण नज़दीकी ऑप्शन 688 है, तो ये सी ऑप्शन माना था यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये पुरस्कार
नीरज डाल या कोमला था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक में स्थित है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में हुई थी, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला कांता कुमारी भटनागर थी, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये था BSTC और DLED भर्ती परीक्षा 2018 का सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।